लहराते हुए राष्ट्रीय ध्वज को प्लाटून कमांडर एक ही कमांडिंग हवलदार सुनील कुमार पूरी टीम के साथ शानदार कंधे से कंधा मिलाकर और बाजू से बाजू मिलाकर प्लाटून नंबर दो मंच के करीब से गुजरते हुए मार्च पास्ट करते हुए देश की बेटी प्लाटून कमांडर महिला सिपाही पूजा कुमार। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सुपौल के गांधी मैदान में किया झंडा उत्तोलन। गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला मुख्यालय के मुख्य समारोह स्थल गांधी मैदान में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने झंडा उत्तोलन किया। इस मौके पर डीएम कौशल कुमार एसपीडी अमरकेश सहित अन्य मौजूद रहे। समारोह में तमाम विभागीय अधिकारी सहित शहर के गणमान्य और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री संजय झा ने कहा कि सुपौल जिले में शिक्षा स्वास्थ्य बिजली सड़क कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में काफी काम हुआ है। उन्होंने इस मौके पर सरकार द्वारा चलाए जा रहे तमाम विकासात्मक योजनाओं की भी जानकारी दी जिससे आम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सुपौल से अमरेश कुमार की रिपोर्ट। माननीय मंत्री महोदय को जनरल सैल्यूट दिया गया। मैं पत्रकार बंधुओं से आग्रह करूंगा कि परेड समादेशक को मंच के करीब आने का मौका दिया जाए। श्रीमान गणतंत्र दिवस परेड पर 7 ब्लॉक में आपके निरीक्षण को तैयार है। माननीय मंत्री महोदय से आग्रह किया गया शशि कुमार पुलिस केंद्र सुपौल परेड समादेशक के द्वारा के तमाम कैडेट के अवलोकन के लिए मंच से उतरकर गाड़ी पर सवार होते हुए माननीय मंत्री महोदय श्री संजय झा जी सुपौल के माननीय श्री संजय झा जी चंदी लम्हा में माननीय मंत्री महोदय की गाड़ी पहले प्लाटून के एक जगह रहिए ना कर रहे हैं प्लाटून कमांडर आलमगीर अंसारी जिसका निरीक्षण किया कि कुछ बेहतरीन प्लाटून की कमांडिंग कर रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं माननीय मंत्री महोदय की गाड़ी मोनी कुमारी। उत्तर में गणतंत्र दिवस के इस मुख्य समारोह स्थल पर झंडा उत्तोलन का गवाह बनने जा रहे हैं गाड़ी धीरे धीरे मंच के करीब पहुंचती हुई माननीय श्री संजय झा जी की गाड़ी एसपी साहब साथ में और गाड़ी रुकती हुई मंच के करीब पहुंचते हुए महिला फोर्स का बटालियन का भी आज के परेड में इनका यहाँ शामिल हुए। सुपौल जिला के लिए मैं दो तीन बात जरूर जानकारी देना चाहता हूँ आपको। काम तो बहुत सारा हुआ सड़क में बिजली में सिंचाई में लॉ एंड ऑर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पिछले 15-16 साल में शायद देश में जितना बड़ा काम बिहार में हुआ है कम जगह हुआ। अब हर एक जगह इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज जो पूरे एरिया में एक आध इंस्टीट्यूशन होता था वो हर एक जिला में सरकार के द्वारा उसकी स्थापना की जा रही है। उसी तरह कृषि रोड मैप को लेकर के 3 कृषि रोड मैप सरकार ने लागू कर दिया और कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन जमीन पर किसी रोड मैप के बाद 353 आवेदकों को शिक्षा ऋण के रूप में 72,92,00,000 रुपए से अधिक की राशि सुपौल जिला में दिया गया। मतलब एजुकेशन लोन जो बिहार सरकार के द्वारा तय किया गया उसमें सुपौल नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट हुआ है देने के जो ऋण देने के का जो हर एक जिला जो दिया। उसी तरह
स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 22-23 में जिला निबंधन एवं परामर्श के सुपौल में अब तक 11,456 आवेदन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदियों द्वारा 118 करोड़ रुपए की बचत की गई है। जिले के 25,853 स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न बैंकों से 563 करोड़ रुपए की राशि ऋण के रूप में प्राप्त हुई। हर घर बिजली पहुंचाने के क्षेत्र में हो अन्य क्षेत्रों में है, सुपौल जिला ने बहुत अच्छा काम किया। सुपौल जिले में शिक्षण संस्थाओं और अस्पतालों में सुविधाओं को वृद्धि के लिए कई उल्लेखनीय प्रयास किए गए। मेडिकल कॉलेज भी यहां खुल रहा है, आप लोगों के जानकारी में होगा। इसी तरह